गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार की बात है, पांच मित्र नौका बिहार पर नदी में कहीं घूमने जा रहे थे। तभी एक मित्र ने अपनी चेयर के नीचे से ड्रिल मशीन निकाला और उसे छेद करने लगा। जो ही उसने नौका में छेद करना आरंभ किया, तभी वह उनके सारे दोस्तों ने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो, हम सारे डूब जाएंगे। तब उसने कहा, यह मशीन मेरा है, मैंने यहाँ बैठने के लिए जो टिकट लिया वो पैसा भी मेरा था, यह स्पेस भी मेरा है, तो फिर मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ। वास्तविकता ऐसे ही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम तो डूबेंगे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। आपके जीवन में आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, उन्हीं पांच लोगों का औसत आप स्वयं हैं। आप अगर केवल 10 करोड़पति के साथ एक साथ रह जाए, एक साल निश्चित तौर पर अगले साल 11वां करोड़पति आप होंगे। आप यदि मात्र 10 मूर्खों के साथ रह जाए, अगले 3 महीने में 11वां मूर्ख आप होंगे। आप यदि 10 पीने वाले लोगों के साथ मात्र 3 महीना रह जाए, निश्चित तौर पे 4वें महीने 11वां पीने वाले लोग आप होंगे। ठीक उसी तरह से आप यदि एक्सरसाइज करने वाले या फिर पॉजिटिव थॉट के लोगों के साथ एक साथ लगभग 3 महीना रहते हैं, तो 4वां महीना नेक्स्ट पर्सन आप ही होते हैं। हम जहां भी रहते हैं, वहां के समाज, समुदाय, परिवार या फिर वहां के आसपास के लोगों का नेचर, बिहेवियर, करेक्टर और उनके रहन सहन की स्थिति आपको बहुत हद तक प्रभावित करता है। इसलिए जब कभी भी आप अपने एसोसिएट्स, अपनी टीम के साथ रहें, तो ऐसे लोगों के साथ रहें जो जिनमें हमेशा ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता हो। अन्यथा केके जैसी ज्ञानी महिला को एक मंत्रा ने दिमाग खराब कर दिया, तो आप और हम क्या है। आगे मर्जी आपकी। जय हिंद।